नगर निगम परिषद की पहली बैठक में हंगामे के बाद जिला पंचायत की पहली बैठक भी शुक्रवार को नोक झोंक के बीच हंगामाई हो गई। कुछ सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी इस्तीफा लिखने की बात बोल पड़े। जिला पंचायत सतना का सामान्य सम्मेलन शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष राम खिलावन कोल की अध्यक्षता और CEO डॉक्टर परीक्षित राव की मौजूदगी में बुलाया गया था। सम्मेलन में शामिल होने जिला पंचायत की समितियों के सभापति और अन्य सदस्यों के अलावा अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। CEO डॉक्टर परीक्षित राव ने जैसे ही बैठक की कार्यवाही पढ़ना शुरू की, संचार संकर्म समिति के सभापति सिंह ज्ञानू ने आपत्ति जताना शुरू कर दिया। ज्ञानू ने कहा कि 14 नवंबर तक एजेंडा भेजे जाने की जानकारी दी गई, लेकिन आज जब बैठक शुरू हो रही है तब भी एजेंडा तय नहीं है। बिना एजेंडे के बैठक नहीं की जाएगी। जवाब में CEO ने कहा कि यह पहली ही बैठक है, इसलिए सदस्यों को वे कार्य योजना और कामकाज के तरीके बताना चाहते हैं, उसके बाद एजेंडे के संबंध में भी बात की जाएगी। लेकिन ज्ञानू इस पर सहमत नहीं हुए और सदन से बाहर निकल गए। इस दौरान CEO के साथ उनकी बहस भी हुई और उन्होंने कहा कि CEO उन्हें लिख कर दें कि वे सदन से बाहर चले जाएं। CEO ने नियमों का हवाला देते हुए इस पर भी सहमति जताई तो वे उनके बहिष्कार को कार्यवाही में शामिल करने की मांग करने लगे। ज्ञानू के बाहर निकलने के बाद महेंद्र सिंह पिथेपुर समेत कई अन्य सदस्य भी बाहर चले गए, जबकि शेष सदस्यों की उपस्थिति में बैठक चलती रही। कुछ देर बाद बायकॉट करने वाले सदस्य फिर सभागार में लौटे और उनकी अनुपस्थिति में बैठक किए जाने पर आपत्ति जताने लगे। यह सारा हंगामा देख रहे जिला पंचायत अध्यक्ष राम खिलावन कोल ने भी सदस्यों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब सदस्यों ने उनकी भी बात नहीं सुनी तो वे व्यथित होकर इस्तीफा लिखने की बात कहने लगे। उनका कहना था कि CEO की बात सुनना चाहिए था। बाद में नाराज सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और यह आरोप लगाया कि अफसर सिर्फ अपनी बात कहना सुनना चाहते हैं। पहली बैठक में भी यही किया जा रहा था, यहां सदस्यों की बात ही नहीं सुनी जा रही है।